जनपद मैनपुरी के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के 93 माइलस्टोन की घटना। पटना से दिल्ली जा रही एक डबल डेकर बस पोल से टकराने के चलते हुई दुर्घटनाग्रस्त। ड्राइवर को नींद आ जाने के चलते हुआ बड़ा हादसा। हादसे में बस में सवार 35 यात्री हुए घायल, वहीं एक यात्री की हुई मौके पर मौत। घटना की जानकारी मिलते ही जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को इलाज के लिए सैफई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अच्छा श्यामवीर, ये हादसा किस तरीके से हुआ? ये हादसा इस तरीके से हुआ, मैं तो अपनी छत पे बैठे थे, मैं देख रहा था गाड़ी डिवाइडर पर चली, चलने के बाद तुरंत उसमें टकरा गई। गाना देखा इसका नाम बूम जी, लट्ठे में टकरा गई तुरंत। अच्छा, और तुरंत आँच जलने लगी। जब आँच जलने लगी हम लोगों ने देखा तो हम लोग पानी ले लेके भागे, और पानी लेके आँच बुझाई। आँच बुझाने के बाद फिर गाड़ी तोड़ी फाड़ी, उसके बाद सवारी उसमें से निकाली। अच्छा, कितने लोग घायल हुए? लगभग लगभग होंगे 40 लोग। अच्छा, और कहाँ से गाड़ी आ रही थी? ये बिहार से दिल्ली जा रही थी। दिल्ली जा रही थी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए मैनपुरी से संजय शर्मा की रिपोर्ट।